नमस्कार साथियों, एक बार YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज मेरे ही गांव के बाहर, जो कि ओमपाल जी अपने परिवार सहित यहां पर रहते हैं, और उनके घर में एक सांप देखा गया है। तो अब चलकर देखते हैं कि कौन सा सांप है। नज़रें जमाए रखें। कट जा बेटा, का जे? रात में जो अभी नहीं देख ली आज होगी जी का समझ है ना। खे पेट देख लेना आंधी का नहीं आंधी होंगी तो कौन है। काली जी के काली लागी भाई लाल काली जी कसे देख ले देख ले सारे काली 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 सर देख ले। हां देख ले तो साथियों शायद रेड सेड बोआ हो सकता है। कोई ना बात आया ही कोने को ये लमार था मारते कतई लमार काच तो अब इसको निकाल कर दिखाते हैं आपको कि क्या है। बिल बाल कोई नहीं बड़ी थोड़ी बिल से कोई बड़ी सरका दमन काई चाहिए क्या बात मत बोलो ला दमन ले जाओ दमन ले जाओ। तो साथियों ये रेड सेंड हुआ है पोर्टुगीज लाइक इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। ये नॉन विनेमस होता है और इनको दो दिन से ये दिख रहा था यहाँ पर। हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है और इसे जंगल में ले जाकर रिलीज करेंगे। गर्मी काफ़ी है तो उमस के कारण ये बिलों से बाहर निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं रेड सेंड बोआ, जिसको हम हिंदी में दुमोही सांप के नाम से जानते हैं। अभी ये बच्चा ही है, इसने अपना पैटर्न पूरी तरह से बदला नहीं है। तब ये बच्चा होता है तब इसके पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो इसे जंगल में ले जाएंगे रिलीज करेंगे। साथियों कई लोगों का अंधविश्वास है कि ये हाथ और पैर में चिपक जाती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों का मानना है कि ये लाखों करोड़ों में बिकती है, वो भी गलत बात है। मैं तो लक्ष्मी से या मेरी माता। तो साथियों हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है और इसको हम यहाँ पर हमारे जो जंगलात है उसमें हम इसको जिसे हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं इसको हम फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देंगे। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं साथियों कि कई बार क्या होता है कि ये जो सेंड वो हम रेस्क्यू करते हैं और हम इसको सोशल मीडिया पर डालते हैं तो इसके हमारे नंबर तो होते ही हैं सोशल मीडिया पर। तो हमारे नंबर देखकर हमारे पास कॉल भी करते हैं कई लोग, कहते हैं कि भाई साहब ये दोनों ही हमको दे दो कि कितना पैसा लोगे। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं और कहते भी हैं। एक वीडियो मेरा और भी है जो आप आई बटन में देख सकते हैं, उसमें भी मैंने उनको बहुत समझाया था कि इस जीव का यानी इस प्राणी का कोई भी पैसा नहीं है और ना ही ये बिकता है। और कई लोगों का अंधविश्वास है कि ये चिपक जाती है उतरती नहीं है। तो इसका ये जो पूँछ है ये गोल होता है, मुक्की जैसे दिखता है, आप देख सकते हैं।
और इसका ये मुंह है, और ना ये लाखों करोड़ों में बिकता है, सब दुनिया इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है, और इसका कोई पैसा नहीं है। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि आप इनके चक्कर को छोड़कर आप कमाई धंधे पर ध्यान दें, और इन जीवों के चक्कर में ना पड़ें। ना तो इनकी कोई तस्करी होती है और ना ये बिकते हैं, तो ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे हर एक जानवर को, हर एक आदमी को जीने का अधिकार है, वैसा ही इनको भी अधिकार है जीने का। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन जीवों के पीछे ना भागें, अपनी लाइफ ना ख़राब करें, और इनसे कोई पैसा नहीं होता है। मैं एक साल में कम से कम 30-40 दोमोही को रेस्क्यू करता हूँ। अगर ये पैसे वाली होती या पैसे इनके मिलते तो मैं एक भी बेचकर, मैं मेहनत मजदूरी नहीं करता, मैं इन्हीं को बेच कर अपना पैसे वाला हो जाता। मैं गाड़ी होती मेरे पास, मैं जब भी रेस्क्यू करने जाता हूँ तो कई बार तो पैदल जाता हूँ मैं। तो आप ये बात मन में बिठाओ, दिमाग में बिठाओ कि अगर इनके पैसे होते और ये पैसों में बिकती तो मैं भट्टे पे काम नहीं करता, क्योंकि मैं एक ईंट भट्टे पे मजदूरी का काम करता हूँ। अगर ये बिकती पैसों में तो मैं इन्हीं को बेचकर अपना जीवन कर लेता व्यापन। मगर भाई साहब, इनके चक्कर में मत पड़ो। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरी अपील है, अगर कोई भी ऐसे जीवों को पकड़े या इनको बंदी बना के रखे या इनकी तस्करी करे, उसे तुरंत गिरफ्तार करवाएं। और अब मैं इसको यहाँ पर पर्यावरण में रिलीज कर देता हूँ। और साथियों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर घंटी प्रेस कर लें। तो ये बिल है, ये जो बिल है मैंने इसमें बिल में डाल दी है। और ये धीरे धीरे करके चली जाएगी अंदर। शायद लगता है आगे घुसने की जगह नहीं है। तभी आगे नहीं जा पा रही। तो ये अब धीरे धीरे जा रही है। अगर इसको हम बाहर छोड़ देते हैं तो कोई भी मांसाहारी प्राणी इसको खा जाएगा। मैंने एक बार देखा है एक बिल्ली को खाते हुए। तो इसको मैं पूरी तरह से अंदर जाने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा मैं। तो इसने अपना मुंह मिट्टी में दबा लिया है। शायद आगे जगह नहीं है तो मैं इसके ऊपर ये लगा देता हूँ ताकि कोई जानवर इसको ना देखे, इसको काटे ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।